मैं कल रात 3 दिन कश्मीर में गुजार कर आया। कश्मीर में मैंने श्रीनगर, अवंतीपुरा और बडगाम में विजिट्स की, पर्चे बांटे, लोगों से मुलाकात की, दो यूनिवर्सिटीज़ भी विजिट की, एक कश्मीरी यूनिवर्सिटी जो श्रीनगर में है और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अवंतीपुरा में है, वहाँ भी गया। कुछ प्रोफेसरों से मुलाकात हुई, कुछ विद्यार्थियों से मुलाकात हुई, पर्चे तो नहीं बांटे वहाँ पे, लेकिन पत्रिकाएं वगैरह लोगों को दी। तीन चार बातें मेरे दिमाग में इन दोनों आईं, और वो ये कि जब आवाम में मैंने बातचीत की, चाहे वो लाल चौक हो, डल लेक हो या और दूसरे इलाके हों श्रीनगर के या और दूसरी जगहों के, उनमें आधे लोग लगभग इस बात से उदासीन, इससे उदास थे कि क्या होगा इस चुनाव से, जब हमारे पास असेंबली का, फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा नहीं है, तो इससे निकलेगा क्या। सो दे वर नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट इट एंड विच इज़ रियली सैड। और उनका एक वजह सीरियस है, जेन्युइन वजह है। तो एक बात तो ये मुझे समझ में आई कि राज्य का दर्जा एक मिनिमम ज़रूरत है कश्मीरी आवाम की। और ये बात मुझे डल लेक पर कुछ कश्मीरी पंडित भी मिले और कुछ जम्मू से आए हुए हिंदू भी मिले, उन्होंने भी इस बात को सही समझा कि ये बात आपकी ठीक है कि राज्य का दर्जा। और उसमें हुआ क्या है कि राज्य के दर्जे के साथ से ख़त्म करके जितने भी वहाँ पे अधिकारी हैं सब बाहर से लाए गए हैं, आम जनता से को जो आप गैर मानते हैं, उनका अपना कोई नहीं है, ना अपनी पुलिस ना अपना कुछ। और पुलिस वालों से भी मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कहने को तो हम सेंटर के अधीन हैं, लेकिन हमारी तनख्वाह में और सेंटर की तनख्वाह में, दूसरे राज्यों में, दिल्ली वगैरह में जो तनख्वाह दी जाती है सिपाहियों को, जो वेतन मान वगैरह हैं, उनमें बहुत फर्क है। तो कहने को तो आपने उनके पे को सेंटर के अधीन कर लिया, लेकिन बहुत गैर बराबरी रखी, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, सेंटर ने भी डिस्क्रिमिनेशन किया। तो ये एक बात समझ में मुझे आई। दूसरी बात समझ में ये आई जो कि कई लोगों ने बताई, खासतौर से प्रोफेसरों ने, जब मैंने बताया कि एजुकेशन का मसला बड़ा सीरियस है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मुल्क भर में ऐसे लोगों के द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं जिनके अंदर खुलापन नहीं है, जो ओपन थिंकिंग को, ओपन डिस्कशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सच्ची बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते और चाहते हैं उस पर बंदिश लगाई जाए। आपके यहाँ माहौल कैसा है? लोगों ने कहा उससे 100 गुना खराब। ये गंभीर बात है। उन प्रोफेसरों ने कहा जिनकी कोई पॉलिटिकल लीनिंग नहीं, जो किसी भी तरीके से अनपेट्रियोटिक नहीं कहे जा सकते, जिनकी इंसानियत और जिनका पेट्रियोटिज्म बेमिसाल है, उन प्रोफेसरों ने सीरियसली बात कही कि खुलापन नहीं है हमारे शिक्षण संस्थानों में। विद्यार्थियों से तो मैंने इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं की। तो एक बात और मुझे कहनी कि आवाम को, जिनको उन्होंने मेरे पर्चे लिए, कई लोगों ने पढ़े, लगभग आधे लोगों ने तो लिए और पढ़े, पढ़ने के बाद कहा आपने बात तो ठीक रखी है, अब आप बताइए कि इसके आगे होगा क्या। हमने कहा इसके आगे ये होगा कि जो आपकी असेंबली बनेगी, जो आपके MLA जाएंगे, अगर आपने ढंग के लोगों को भेज दिया उसमें, तो वो लोग आपकी बात, आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल आम लोगों की बेहतरी के लिए हो, इसकी बात रखेंगे, आपके यहाँ जो बिजली बनती है वो यहाँ के लोगों के इस्तेमाल में आए, वगैरह वगैरह मुद्दे उठाएंगे। और ये मुद्दा भी उठाएंगे कि हमारे लिए फुल फ्लेज्ड फेडरलिज्म यहाँ लागू हो और राज्य को मुकम्मल दर्जे दिए जाएं। तमिलनाडु के लोग भी ये मांग कर रहे हैं, बंगाल के लोग ये मांग कर रहे हैं, केरल के लोग ये मांग कर रहे हैं कि सेंटर जबरन गवर्नर के जरिए या लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए अपनी हुकूमत चलाता है, उन लोगों के अधिकारों का हनन करता है, फाइलें रोक लेते हैं वो, और यहाँ पे तो पूरा खत्म ही कर दिया पूरा सिस्टम, नीचे से लेकर ऊपर तक केंद्र के अधीन काम करने वाले नफरत से भरे लोग हैं। तो इसलिए ये बात बहुत जेन्युइन है और मैं महसूस करता हूं कि इस पर पूरे हिंदुस्तान के आवाम को
कश्मीर के आवाम से एक रूपता महसूस करते हुए इस पर जोर डालना चाहिए। इतना जरूर मैं आपके मैं कुछ आवाजें मुझे ऐसी भी मिली, जैसे लाल चौक में गया तो एक बुजुर्ग थे, होंगे मेरे ख्याल से 75-80 साल के, तो कहने लगे भाई भगत सिंह को आप क्या मानते हैं, क्रांतिकारी या जैसे इंग्लैंड वाले कहते हैं आतंकवादी? हमने कहा क्रांतिकारी मानते हैं भाई। तो बोले हमारे यहाँ के लोग अगर आज़ादी की बात करते हैं उसके लिए कुछ कहते हैं तो उनको आप टेररिस्ट कैसे कह देते हो? हमने कहा आपकी बात में वजन है, लेकिन एक बात आप समझ लें कि भगत सिंह का की कुर्बानी बेमिसाल थी, जज्बा था उस शख्स में, कोई स्वार्थ नहीं था, आज़ादी के खातिर फांसी पर लटक गया, सही था। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब 200 बरस से पूरी दुनिया में हुकूमतें इतनी ताकतवर हो गई हैं कि इक्का दुक्का हिंसक वारदातों से आप आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। आज़ादी के लिए गांधी का रास्ता चाहिए, जनता को साथ लेके चलो। इसलिए किसानों ने हमारे आंदोलन चलाया तो उनको कामयाबी इसलिए मिली, नारा तो वो भी जैसे भगत सिंह का लगाते थे लेकिन उन्होंने गांधी के सत्याग्रह को अख्तियार किया। कश्मीरी आवाम को अपनी कोई भी बात करनी है, किसी जुल्म से लड़ना है, तो अगर वो अहिंसा के रास्ते पर, सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जरा गौर करें और अपनी नई पीढ़ी को खासतौर से तैयार करें। अहिंसा भी तैयारी मांगती है, कोई बुजुर्गों का चीज़ नहीं है अहिंसा। अहिंसा कुर्बानी की, क्रांतिकारिता की ऊंची मंजिल है और इसको कश्मीरी आवाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आज़ादी के पहले शेख अब्दुल्ला की रहनुमाई में लोगों ने ऐसा किया। मैं चाहता हूँ कि कश्मीरी आवाम भी इस बात पर विचार करें कि अपनी स्ट्रेटेजी नॉन वायलेंट रखें और स्टेट के रिप्रेशन से लड़ने का यही एक सही और कारगर तरीका है। मुझे बेहद खुशी हुई कि आवाम में, कश्मीरी आवाम में बाकी मुल्क के प्रति अभी भी अपनापन, 5 साल की दमन के बावजूद उनके अंदर घृणा पैदा नहीं हुई। ये मुझे सुकून की बात लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।